الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد पाक बिला तर्जमे पर बहस हो रही थी और इसके अंदर हजरत उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह अन्हु की हदीस आपके सामने आई। इस हदीस से पहले मैंने आपके सामने अंसारियों की कुछ तारीख बयान कर दी थी ताकि हदीस का रब्त अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब उसके बाद हदीस पर हमको गौर करना है। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हौलहु इसाबतुम मिन असहाबिही। अल्लाह के रसूल अलैहि सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया जब के आपके आसपास में आपके सहाबा की एक जमात मौजूद थी, यानी हज़रत सहाबा किराम के दरमियान में अल्लाह के नबी ने यह बात इरशाद फरमाई थी। क्या फरमाई बात, वो आगे आ रही है बायूनी अला अल्लाह तुशरिकु बिल्लाहि शैया इला आखिरी। इसके अंदर जो लफ्ज आया है इसाबा, इसाबा आइन के कसरे के साथ जमात के माने में है। सहाबा की एक जमात आपके आसपास मौजूद थी। लफ्ज इसाबा इस्तेमाल होता है 10 से लेकर 40 तक के लिए, 10 अफराद, 15 अफराद, 20-25 अफराद, 30-40 अफराद तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि यह लफ्ज असब से माखूज है और असब के माने आते हैं बांधना, मजबूत बांधने को कहते हैं। चूंकि जमात एक दूसरे को तकवीयत देती है, एक दूसरे को गोया मजबूत करती है, इसलिए जमात का नाम है इसाबा। जमात को इसाबा कहा जाता है। इसी से इसाबा कपड़े को भी कहते हैं। कपड़े की पट्टी का नाम इसाबा, आपने इसाबा का बयान पढ़ा होगा फुकहा के कलाम में, हाथ पे पट्टी बांधी, इसाबा बांध ली। पट्टी को इसाबा इसीलिए कहते हैं कि जो पट्टी होती है वो भी एक दूसरे को तकवीयत देती है और मजबूत बांध दी जाती है। तो बहरहाल कहते हैं कि वहौलहु इसाबतुम मिन असहाबी। आपने कहा बायऊनी, लोगों मेरे से बैत कर लो। ये लफ्ज मुबायआ से है और लफ्ज मुबायआ बय से है। मुराद यहां पर है मुआकदा और मुआहदा। बायऊनी यानी मेरे से मुआहदा करो। लफ्ज बै या मुबायआ को मुआहदे के माने में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है गोया इसके अंदर तशबी है। जैसे बै में एक आदमी एक चीज देता है और दूसरा आदमी दूसरी चीज देता है, लेन देन होता है उसमें, इसी तरीके पर मुआहदा करने वाले भी दो आदमी आपस के अंदर कुछ देन लेन करते हैं, मुआहदा करते हैं। ये कहता है मैं ऐसा रहूँगा, वो कहता है हाँ मैं इसे कबूल करता हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ये नफ़ा होगा। अल्लाह ने हमसे बैत ली। क्या बैत ली? इन्ना अल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने तुम्हारे जानों और मालों को खरीद लिया तुमसे इस बात के इवज में कि वो तुम्हें जन्नत देगा। देखो अल्लाह से मुआहदा हो रहा है कि तुम ईमान लाओगे, आमाल सालिहा अंजाम दोगे, नेकियां करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। तो इसके अंदर भी एक किस्म का लेन देन है, इसलिए तशबीहन मुआहदे का नाम बैत रख दिया गया। इससे मालूम हुआ कि जो मशायख के यहां बैत होती है उसके अंदर भी यही है,
बयत नाम है एक मुआहदे का, मुआहदा करता है एक आदमी कि मैं नेकी पर कायम रहूंगा, ईमान पर कायम रहूंगा, इसके लिए मुजाहदा और मेहनत करूंगा, इसके लिए तकालीफ को बर्दाश्त करूंगा। और दूसरी तरफ से मुआहदा ये होता है कि भाई तुमने अगर ये किया तो फिर अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, अल्लाह तुम्हें ये नेमतों से नवाजेगा। तो इसका नाम है बयत। बयत कई किस्म की होती है। एक बयत होती है बयत अलल इस्लाम, यहां पर यही बयत मुराद है। और एक होती है बयत खिलाफत, और एक होती है बयत जिहाद, और एक बयत है बयत इल्तिजाम ताआत। चार किस्म की बयत। बयत इस्लाम का मतलब यह है कि एक आदमी जब मुसलमान होता है तो किसी के हाथ पर ईमान लाता है, मुआहदा करता है, यह बयत इस्लाम। दूसरी है बयत खिलाफत, जो आदमी खलीफतुल मुस्लिमीन होता है उसके हाथ पर अवाम बयत करते हैं कि हम आपको खलीफा मानते हैं और आपकी इताअत और फरमाबरदारी को कबूल करते हैं, अल्लाह की मासियत को छोड़कर जो हुक्म भी आप देंगे उसे हम मानेंगे, कबूल करेंगे, समा व ताअत का इकरार व एतराफ। यह है बयत खिलाफत। एक तवील जमाने तक यही रिवाज था कि जो आदमी भी खलीफा बनता था उसके लोग, उसके पास लोग जाते थे, उसके हाथ पर बयत करते थे और इकरार और एतराफ करते थे समा व ताअत का। और एक है बयत जिहाद, यानी गैरों से दीन की खातिर लड़ने का अज़्म हौसला करते हुए अमीर के हाथ पर बयत करना। जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयत रिजवान ली थी, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم। अल्लाह के नबी ने एक दरख्त के साए में बयत ली, अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। ये बयत जिहाद थी। जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया मकाम पर ठहर कर मक्के वालों से गुफ्तगू करने के लिए भेजा था कि जाओ उनसे कहना कि हम लड़ने नहीं आए, मारने मरने नहीं आए, बल्कि यहां तो अल्लाह के घर की जियारत और तवाफ के लिए आए, उमरे की नीयत करके हम लोग आए हैं और हम दाखिल होंगे, तवाफ करेंगे, उमरा करेंगे और वापस हो जाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु मक्के वालों के पास गए, उधर वो मक्के वालों के पास गए और इधर किसी ने खबर उड़ा दी कि कुफ्फारे मक्का ने हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयत ली थी, जिसका नाम है बयत रिजवान, ये जिहाद की बयत थी। तो यह भी एक बयत होती है। और एक बयत होती है बयत इल्तिजाम ताअत। जैसे आज आम तौर पर मशायख की जो होती है वो यही बयत है, इल्तिजाम ताअत की, कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, जकात देंगे, हज करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। यह बयत ली जाती है, यह है इल्तिजाम ताअत की। और ये चारों किस्म की बयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बयत इस्लाम भी, बयत जिहाद भी, बयत इल्तिजाम ताअत भी, और बयत खिलाफत भी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चूंकि जामे कमालात थे और आपकी शख्सियत इन तमाम उमूर के लिए एक मजदर थी, माखज थी, मंबा थी, इसलिए चारों बयतें वही होती थी। लेकिन बाद में चलकर खिलाफत अलग हो गई और जो है मशायख का काम अलग हो गया, तो अब यहां बयत भी मुनकसिम हो गई।
जो लोग बादशाह बनते थे उनके हाथ पर तो बैत खिलाफत होती थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते थे, यानी चंद को छोड़कर, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी और अली मुर्तजा और बाद और भी कुछ लोग, उनका जमाना गुजरने के बाद जब खिलाफत का दौर आगे बढ़ा तो उसमें ऐसे ऐसे खुलफा सामने आए जो खलीफा तो हुए लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उनके हक के ऊपर बैत की जाती, यानी बैत इल्तिजाम ताअत या बैत इस्लाम, उसके काबिल वो लोग नहीं थे। कोई ऐसे हैं कि नमाजी नहीं पढ़ रहे, गुनाहों में मुबतला है, बुराइयों में मुबतला है, अब उनके हाथ पर जाकर कौन बैत करेगा कि मैं ताअत और इबादत की बैत करता हूं आपके हाथ पर। तो भाई बैत तो उसके हाथ पे की जाती है जो खुद मुत्तकियों पर इज़दार हो, अल्लाह वाला। तो ये लोग खलीफा होते थे लेकिन नेक नहीं होते थे। तो यहां पर लोगों ने तकसीम कर दिया, खिलाफत की बैत तो उनके हाथ पे होती थी लेकिन नेकी और ताअत की बैत मशायख के हाथ पर होती थी, उलमा के हाथ पर होती थी, जो इसके माहिरीन थे और जिसके जो नेक और मुत्तकियों पर हिज़ार थे उनके हाथ पर होती। तो इस तरह हुजूर अकदस सल्लम के ज़माने में और बाद भी कुछ ज़माने तक, जबकि हर खलीफा बड़ा अहलुल्ला भी होता था, वो एक तरफ अमीरुल मोमिनीन होता था और दूसरी तरफ जो है अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा होता था, वहां तक ये सारे सिलसिले एक ही जगह चलते थे। लेकिन बाद में जब सूरत हाल बदल गई और खलीफे अच्छे नहीं रहे तो वहां से खिलाफत की बात तक तो उनकी जो है बैत ली जाती थी, बाकी दूसरी बैत के सिलसिले में दूसरों की तरफ रुझू किया जाने लगा और फिर उसके बाद तो और भी खराब हो गई हालत। और अब तो ऐसा है कि जो है खिलाफत का सिलसिला ही नहीं है, तो अब जो कुछ होता है वो यही कि भाई अपने दीन को कायम रखने, अपने दीन को बाकी रखने और उसके अंदर तरो ताजगी को बाकी रखने के लिए इल्तिजाम बैत किया जाए, इल्तिजाम ताक किया जाए किसी शेख के हाथ पर जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, उसका जाहिर और बातिन यकसा हो और वो सादिक है, सादिक हो, सादिकुल कौल भी हो, सादिकुल अमल भी हो, सादिकुल कल्ब भी हो, ऐसे लोगों के हाथ पर बैत की जाती है। ये है चार किस्म की बैतें और सब साबित। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये क्या है बैत, गलत कहते हैं। कुरान के अंदर भी बैत का जिक्र है, यहां भी बैत का जिक्र आया। अब देखिए इस बैत के अंदर भी नेकियों पर बैत का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वादा लिया है, बायउनी अला अल्ला तुशरिकु बिल्लाहि शैया वला तसरिकु वला तज़्नु वला तक्तुलु औलादकुम वला तातु बिबुहतानिन तफ्तरुनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तअसरु फी मारूफ। क्या है? यही तो है जो बैत मशायख लेते हैं कि भाई हम कुफ्र नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी पर बोहतान नहीं लगाएंगे, किसी को अजियत नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। यही वो बातें, अल्फाज अलग हो लेकिन खुलासा मतलब उसका वही निकलता है। और जो बैत यहाँ पर मौजूद है कुरान में इन्हीं अल्फाज के साथ में आई है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर हुजूर अकदस सल्लम से फरमाया कि ऐ नबी, अगर औरतें आपके हाथ पर बैत करने के लिए आए तो आप उनको बैत कर लीजिए इस बात पर, जो बातें यहां पर है वही बातें मांग कर। या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबाइउनका अला अल्ला तुशरिकना बिल्लाहि शैयां वला तसरिकना वला तज़्नी ولا تقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن بعينه وهي باتیں وہی ترتیب بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بیعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تو جامع تھے، خلیفہ بھی آپ تھے، نبی بھی آپ تھے، اور जो है अमीर उलमोबिन भी आप थे, इसलिए बैत जिहाद भी आप लेते थे, बैत खिलाफत भी आप लेते थे और बैत इस्लाम भी आप लेते थे और नेकियों तातों के इल्तिजाम की बैत वो भी आप लेते थे, सब किस्म की बैतें आप ये लेते थे। जैसे हुजूर के जमाने में, सहाबा के जमाने में,
मुहद्दिसीन अलग, फुकहा अलग, और फिर अलग अलग तबकात उलमा के नहीं थे, मुफस्सिरीन अलग, फुकहाए किराम अलग, है ना। लेकिन बाद में चलकर किसी ने इसके अंदर तखस्सुस पैदा किया, किसी ने उसके अंदर तखस्सुस पैदा किया, एक फुकहा की जमात निकल आई, एक मुहद्दिसीन की जमात निकल आई, एक मुफस्सिरीन की जमात निकल आई, फिर मुफस्सिरीन में भी कई हो गए, मुहद्दिसीन में भी कई हो गए, फुकहा में भी कई हो गए, अलग अलग अंदाज के लोग हो गए। ये ऐसे ही समझिए आप जैसे कि एक जमाने में डॉक्टरी जो पढ़ते थे, डॉक्टर बन गए तो सब बन गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, यह हमारी कमजोरियों का नतीजा है। पहले जमाने के लोगों के अंदर कमाल ज्यादा था, इस्तेदाद ज्यादा थी, काबिलियत ज्यादा थी, बस डॉक्टर बनना है उसको और कुछ नहीं बनना है। अब उसके बाद हाथ भी वही देखता, पैर भी वही देखता, आंख भी वही देखता, दिमाग और दिल का भी वही काम वही इलाज करता, कानों का भी वही इलाज करता, मुंह का भी वही इलाज करता, सब करता था। लेकिन बाद में चलकर हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में मुंतकसिम हो गए। अब आप जाकर देखें कितने डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटलों में, कोई दिल का डॉक्टर, कोई आंख का डॉक्टर, और कोई ईएनटी, दो तीन चीजों का डॉक्टर, और कोई जो है पेट की बीमारियों का डॉक्टर, दांतों का तो बिल्कुल अलग शोभा, इसी तरह ऑर्थोपेडिक अलग डॉक्टर, रगों का अलग डॉक्टर, हड्डियों का अलग डॉक्टर, दिमाग का अलग डॉक्टर। दिमाग के डॉक्टर को आप पैर दिखाएंगे तो वो समझेगा कि मुझे तो लाठी मार दिया, उससे में आ जाएगा, अरे क्या पैर देखने बैठा हूं दिमाग देखता हूं, वो तो गुस्से में आ जाए। तो भाई पहले जमाने में डॉक्टर बन गए तो बस डॉक्टर बन गए, सब काम के लिए काफी थे। लेकिन अब इसके अंदर जो है वसातें आई, कुशादगी आई, इल्म में से इल्म की शाखें फूटी, इल्म बढ़ता गया, तो फिर जो है कई शोबे वजूद में आ गए। इसी तरह ये सारे उलूम फुलून उसके अंदर से शाखें दर शाखें निकल निकल कर निकल निकल कर, हदीस की कितनी शाखें, फिका की कितनी शाखें, और उलूम फुलून की कितनी शाखें, इसके लिए अलग अलग माहिरीन तैयार हुए और आज मौजूद है। तुम्हारा बताना ये चाहता हूं कि हुजूर की जात तो जामे कमालात थी, आपके अंदर हर किस्म का कमाल था, ये सारी बयतें वही होती थी, लेकिन बाद में चलकर अलग अलग शोबे बन गए, इसलिए ये बयतें भी अलग अलग जगह पर मुनकसिम हो गई। इससे बयत का सबूत हुआ। उसके बाद हदीस के अंदर है अल्लाह के नबी ने फरमाया, बायउनी अला अल्ला तुशरिकु बिल्लाहि शैया, मेरे हाथ पर बयत करो इस बात पर कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करार दोगे। जुमहूर उलमा के नजदीक यहां पर शिर्क से मुराद शिर्क अकबर है, लेकिन अल्लामा तीबी कहते हैं कि चूंकि खिताब ये मुसलमानों से था इसलिए यहां पर शिर्क खफी मुराद है, शिर्क असगर जिसका नाम है रियाकारी। रियाकारी को भी शिर्क कहा गया है अहादीस के अंदर। तो अल्लामा तीवी कहते हैं कि यहां अल्लाह तुशरिकु बिल्लाही शैअन का मकसूद यह है कि तुम अल्लाह के साथ इबादत करने में किसी के साथ किसी को दिखावे दिखावा ना करो। आगे है वला तसरिकु, चोरी ना करो, वला तजनू, और जिना ना करो। इन सब बातों पर जो जिना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, शिर्क नहीं करोगे, इसके ऊपर मेरे हाथ पर बयात करो। वला तक्तुलु औलादकुम, और अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, इस पर भी मेरे हाथ पर बयात करो। इसी के जमाने जाहिलियत के अंदर बच्चों को कत्ल करने का भी रिवाज रहा था। हुजूर अकदस सल्लम के तशरीफ लाने से पहले अरब के अंदर दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों को कत्ल किया करते थे, और कत्ल की तीन वजूहात थी। लड़कियों को इसलिए कत्ल कर देते थे कि लड़कियों का वजूद आर समझते थे, कहते थे लड़की कोई कहे मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, मेरे लिए बड़ा आयब है। मैं किसी लड़के का तो बाप हो सकता हूं, लड़की का बाप मुझे कहा जाए तो बर्दाश्त नहीं।
ये समझकर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते। बड़े खतरनाक वाकियात हादिसात उस जमाने की तारीख के अंदर मिलते। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिलुंसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दा वहुवा कज़ीम। जब इसे सुनाया जाता है तेरे यहां बच्ची पैदा हुई, बुशिरा अहदुहुम बिलुंसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दा, चेहरा काला पड़ जाता है, गुस्से में भर जाता है, मेरी बच्ची हुई। और हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं अभी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कई वाकयात सुनने में आते रहते हैं। लड़की पैदा हुई तो लड़के ने तलाक दे दी, यानी अपनी बीवी को तलाक दे दी। लड़की क्यों पैदा हुई मेरी बीवी? अरे उसका क्या कसूर है? पैदा करने वाला तो खालिक और मालिक अल्लाह है, जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है दोनों से महरूम कर देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यजअलु मन यशाउ अकीमा। बांझ भी बना देता है, दोनों को जमा भी कर देता है, किसी को लड़के ही लड़की और किसी को लड़की ही लड़की देता है। यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। लेकिन जिहालत की इंतहा देखो कि खुद मुसलमान होने के बावजूद उसकी बीवी क्या बच्ची पैदा हो जाती है तो बीवी को तलाक दे। ये वही जिहालत की बात है, जिहालत के दौर के बाकियात सैयात में से है। वो बाकियात सैयात अब तक चले आ रहे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कुछ लोग तो ऐसे थे, और एक जगह कहते हैं कि काबतुल्लाह के बिल्कुल करीब ही में एक जगह मौजूद थी, वहां पर दफनाने का निजाम था। जो बच्ची पैदा हो गई ले जाके वहां पर दफन करते थे। पता नहीं कितनी बच्चियों को दफन किया गया। एक साहब ही अपना वाकया सुनाते हैं कि उन्होंने भी अपनी बच्ची को दफन किया। पहले तो उनकी बीवी ने बताया नहीं था उनको कि ये तुम्हारी बच्ची है, वो सफर में थे, पैदा हो गई, उन्होंने इसे छुपाए रखा और परवरिश की। जब वो जरा बड़ी होकर खेलने कूदने लगी तो बाप के पास आती थी जाती थी, बाप समझता था मेरी बच्ची नहीं। लेकिन जब बाप को बताया गया ये तो तुम्हारी ही बच्ची है, बस वो गुस्से में आ गया और फौरन बच्ची को उठा के ले गया और दफन कर दिया। कहता है कि कहते हैं कि मैंने खुद कब्र खोदी और मेरे साथ बच्ची भी खेल कूद में कब्र में खुदाई कर रही, मट्टी उठा कर टेक डाल रही थी, खेल रही थी। कहते हैं कि मैंने कब्र खोद दी और फिर उसके बाद बच्ची को उसके अंदर डाला और मट्टी डालने लगा, बच्ची चीखे मारने लगी, यहां तक कि मट्टी डालने के बाद भी चीखे सुनाई देने लगी, लेकिन मेरे दिल में कोई रहम नहीं आया, मैंने दफन कर दिया। ये हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने किस्सा सुनाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। बहरहाल ये सूरत हाल थी। दूसरी वजह यह होती थी कत्ल औलाद की, ये लोग समझते थे कि भाई हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है, अगर ये बच्चे पैदा हो जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत खाना हमको मिलता है वो इनको खिलाना पड़ेगा तो हम भूखे रह जाएंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बच्चे पैदा होंगे तो हम उनको खिला ना पाएंगे, बच्चों पर फक्र व फाका हम कैसे देखें, इस ख्याल से और डर से बच्चों को कत्ल कर देते। तो कुछ को ये ख्याल कि हम भूखे रह जाएंगे, कुछ को ये ख्याल कि बच्चे भूखे रह जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया, ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, दो जगह आए थे मिन इमलाक, मिन खशियत इमलाक, खशियत इमलाक, इमलाक के माने ही इफलास, इफलास और फकर फाके के डर से बच्चों को कत्ल न करो। फिर अल्लाह ने उसका जवाब भी दिया, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, एक जगह पर है नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, एक जगह हुम पहले है कुम बाद में, एक जगह कुम पहले है और हुम बाद में, इन बच्चों को भी हम ही रिस्क देंगे और तुमको भी, और एक जगह कहते हैं हम उनको, तुमको भी रिस्क हम ही देने वाले हैं और उनको भी रिस्क हम ही देने वाले। इस तकदीम व ताखीर के सिलसिले में ज़मीरों के उलमा ने एक नुक्ता इरशाद फरमाया है। उलमा कहते हैं कि
चूंकि दो किस्म के लोग थे, कुछ तो ये ख्याल करते थे हम भूखे रह जाएंगे, अल्लाह ने वहां कुम को पहले किया, तुमको भी हम ही खिलाएंगे, क्या फिक्र करते हो, उनको भी हम ही खिलाएंगे। यहां कुम को पहले लाकर उनके उस डर और खौफ को दूर किया। और दूसरों को यह ख्याल होता था हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, अल्लाह ने वहां पर हम जमीर पहले लाई और कहा नहनु रज़ुकुहुम, उन बच्चों को हम ही पालते हैं, हम ही देते हैं, हम ही रिस्क देने वाले। तो बहरहाल ये तीन वजह होती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयत के अंदर कहा वला तक्तुलु औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, इसका वादा करोगे। आगे है वला तातु बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम वअर्जुलिकुम। यहां ला तक्तुलु औलादकुम में एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे, इसका वादा, दूसरों के बच्चों को। बज़ाहिर इससे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को कत्ल ना करना है, तो क्या दूसरों के बच्चों को कत्ल कर सकते हैं, यह सवाल पैदा होता है। अल्लामा किरमानी ने यह सवाल पैदा किया है अपनी किताब अल कवाकिबुद दरारी में, जो शरे बुखारी है। फिर उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये इसका मफहूम जो अख्ज किया जा रहा है, ये मफहूम लकब है, लफ्ज से निकलने वाला मफहूम है और मफहूम का एतबार नहीं हुआ। आपने मफहूम मुखालिफ के बारे में पढ़ा होगा किताबों में, उसूल की किताबों में। बाज़ उलमा के पास तो मफहूम मुखालिफ का एतबार होता है, हमारे पास नहीं। और मफहूम लकब है ये, औलादकुम, तुम्हारी औलाद को कत्ल न करोगे, इससे कोई समझने लगे दूसरों की औलाद को कत्ल कर सकते हैं, यह मफहूम लेना दुरुस्त बात नहीं। बाकी यह तख्सीस इसलिए की, अल्लामा किरमानी कहते हैं इसकी दो वजह। एक वजह तो यह है कि आम तौर पर दूसरों की औलाद को कत्ल नहीं किया जाता था, अपनी ही औलाद को लोग कत्ल करते थे, अल्लाह के नबी ने इसीलिए इसका जिक्र फरमाया। और दूसरे इसलिए कि अपनी औलाद को कत्ल करना ही जब मना है, तो दूसरे की औलाद तक जाने का क्या सवाल पैदा होता है, वो तो उससे भी बदतर है। इसे कि अपनी औलाद को कत्ल करना अपनी, फिर भी दूसरे की औलाद को कत्ल करना तो उससे भी ज्यादा कबीर तरीन बात है, जिसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी इख्तियार नहीं है। यहां बाप होने की हैसियत से कुछ इख्तियार है, वहां तो वो भी इख्तियार नहीं, तो वहां का क्या सवाल पैदा होता है। बहरहाल आगे फरमाया वलाता तू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम वअर्जुलिकुम। फरमाते हैं कि तुम इस बात का भी वादा करो कि बोहतान न तराशोगे, तातु बिबुहतान, बोहतान नहीं लगाओगे, बोहतान नहीं लाओगे, ऐसा बोहतान तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम वअर्जुलिकुम, जो तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पैरों के दरमियान में तुम घड़ो, हाथ और पैर के दरमियान में घड़ घड़ कर तुम किसी के ऊपर बोहतान लगाओ, इससे भी तुमको मना किया जाता है, तुम्हें बयत करना है कि तुम इस तरह नहीं करोगे। यहां पर एक छोटा सा सवाल यह पैदा होता है कि इतना कह देना तो काफी था, लाता तू भी बोहतान, आगे तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम वअर्जुलिकुम, यह क्यों कहा गया है इतनी लंबी इबारत। चाहते तो यूं भी कह सकते थे कि जो है लोगों पर बोहतान न लगाओ, वला तब तहू, यह भी काफी था, लेकिन इतनी लंबी इबारत क्यों लाई। अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अल कवाकिबुद दरारी के अंदर इसका जवाब लिखते हैं कि इसकी वजह है इस फेल की शनाअत और कबाहत को अच्छी तरह वाजे कर दे। बाज़ वक्त इबहाम से काम नहीं चलता या पूरी बात साफ नहीं होती, इसलिए इबहाम की जगह इतना और बात को और खोल कर बयान किया जाता है। तो अल्फाज यहां कुछ ज्यादा हैं, इतना तो है,
लेकिन इस इतनाब की वजह दरअसल यह है ताकि इसकी बुराई और शनात और कबाहत वाजे हो जाए। उसके बाद सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है, तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, अपने हाथों और पैरों के दरमियान में तुम ना घड़ोगे। हाथ पैर से हाथ पैरों के दरमियान घड़ने का क्या मतलब है? उलमा ने इसके कई मतालिब बयान किए। अल्लामा किरमानी ने अपनी शरह बुखारी के अंदर भी कई मतालिब बयान किए हैं और इसी तरीके पर फतहुल बारी के अंदर भी तफसीलात मौजूद है। एक मतलब इसका यह बयान किया गया है, ला तातू बि बुहतानिन मिन किवली अनफुसिकुम, यानी तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम का माना है अपने दिल से घड़ के बयान न करो। हाथ पैर के दरमियान दिल है, हाथ पैर के दरमियान दिल है, इन दोनों के दरमियान से न घड़ो। और दोनों के दरमियान में दिल है ना, तो मतलब है दिल से न घड़ो। तो अपनी तरफ से अपने दिल से किसी के ऊपर घड़ कर कोई बात न लगा दो। इसे के बहतान नाम ही क्या है, ये बहाता से है लफ्ज और इसके माने हैं मबहूत होना, हैरान परेशान हो जाना। बहतान को बहतान इसलिए कहते हैं कि जब आदमी किसी पर बहतान लगाता है तो परेशान हो जाता है, अरे क्या बोल रहा भाई मेरे बारे में, मैं तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसी बात मेरे को। इसलिए कि बिल्कुल घड़ी हुई बात होती हो, उसका कोई तुक नहीं होता, आदमी घड़ कर किसी के ऊपर लगा देता है। एक तो यह है कि जो है वो बोल रहा है, उसको गीबत कहते हैं, जो है वो बोल रहा है वो गीबत, वो भी नाजायज है। जैसे एक हदीस में फरमाया कि जो चीज किसी में है उसी के पीठ पीछे बयान करो तो गीबत, और अगर वो चीज उसमें ना हो फिर भी तुम उसको बयान करो तो वो बहतान। बहतान तो घड़ी हुई चीज होती है। तो जो पहले से है, जैसे एक आदमी काला है, आपने कहा अरे काला आदमी को से ताज्जुब की बात है भाई, वो तो है, लेकिन तहकीर के लिए कहना भी नाजायज है वो अलग बात। लेकिन एक आदमी जो है कुछ किया ही नहीं है उसके ऊपर आप एक नई बात घड़ कर बयान करें, वो मबहूत रह जाता है। इसीलिए कहते हैं बहतान वो किस्म है जिसको सुनकर सामे मबहूत रह जाता है। तो यहां ये मतलब है बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम का कि अपने दिल से न घड़ो, इसी के हाथ पैर के दरमियान में दिल। एक मतलब उलमा ने यह बयान किया है कि अयदी अर्जुल से मुराद इंसान की जात है, इंसान की जात। मा बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, तुम्हारे हाथ पैर के दरमियान तुम खुद हो। तो लिहाजा मतलब है कि अपनी तरफ से अपनी जात से घड़कर बयान न करो। ऊपर की तफसीर में यह था कि इससे मुराद कल्ब है, और इस दूसरी तफसीर में यह है कि इससे मुराद खुद उसकी जात है। अपनी जात से घड़कर बयान न करो, यह दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब इसका यह बयान किया गया है कि बैन अयदीकुम से मुराद जमाने हाल, बैन अर्जुलिकुम से मुराद जमाने मुस्तकबिल है। गोया के अयदीकुम से मुराद है सामने, अर्जुन से मुराद है पीछे, और हदीस का मतलब यह है कि तुम ना घड़ो किसी के ऊपर कोई बहतान, ना फिलहाल ना माबाद, ना अब ना तब। बैन अयदीकुम अपने सामने, यानी फिलहाल ना करो ऐसा। बात का मतलब यह है कि
अब नहीं कर रहे तो बाद में भी जाकर कभी ना करो, ये दूसरा मतलब है। और इसका एक मतलब यह है कि सामने सामने बैन अईदीकुम वअर्जुलिकुम, सामने सामने किसी को घड़कर कुछ तोहमत न लगा दो। एक तो होता ना पीछे जाके बोल रहा है और एक सामने का सामने, ये तो उससे भी बुरा है, बिल्कुल रूद और मूल बोल रहा है कि आपने तो ऐसा किया, मेरा माल लगा लिया। अरे पीछे बोलना भी गलत है लेकिन सामने बोल रहा है बोहतान तो उससे भी ज्यादा खराब। चुनाचे अल्लामा किरमानी इसका मतलब बयान करते हुए लिखते हैं कि आमने सामने कफाहन मुआजहतन किसी के ऊपर तोहमत न लगाओ। यह भी एक मतलब इसका बयान किया गया है। और एक मतलब बाद लोगों ने यह बयान किया है कि यह आमतौर पर औरतों के अंदर दस्तूर था अरब में जमाने जाहिलियत में कि औरतें जिनाकारी के इर्तिकाब करती और जो बच्चा पैदा होता तो उसे किसी की तरह मंसूब कर देती, ये फुलां से है, ये झूठ है, बोहतान है किसी के ऊपर। और चूंकि जिना होता है हाथ पैर से या हाथ पैर के दरमियानी जगह से, तो इसलिए ये बैन अईदीकुम वअर्जुलिकुम से मुराद जिना कर कर जो तुम तोहमत लगाती हो ये इससे मुराद है। ये भी एक मतलब उलमा इकराम ने बयान किया है, फतुल बारी के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तासु फी मारूफ, नेकी के कामों में मेरी मुखालफत न करोगे इसका भी वादा करो। इसयान के माने हैं नाफरमानी, मारूफ हर अच्छाई को कहते हैं। इसके अंदर वाजिबात और फराइज भी आ गए, सुनन और मुस्तहबात भी आ गए, आदाब भी आ गए, वो सब के सब मारूफ। मारूफ चीजों में मेरी मुखालफत न करो, यानी जो मैं हुक्म दूं उसको मानो, अगर वो फर्ज के दर्जे का है तो फर्ज के दर्जे में मानो, सुन्नत दर्जे का है तो सुन्नत दर्जे में मानो, मुस्तहबात में से है तो मुस्तहब दर्जे में उसको मानो। ये मतलब हुआ वला तासूफी मारूफ। बाद लोगों ने मारूफ से मुराद यहां फराइज और वाजिबात लिए हैं, इसलिए कि ला तासू उसे उसी का ताल्लुक हो सकता है। मारूफ में यानी फराइज और वाजिबात में मेरी मुखालफत ना करो, अगर मुस्तहबात और आदाब में मुखालफत कर दी जाए तो गुनाह तो नहीं होगा ना, इसलिए बाद लोगों ने यहां पर यह मुराद लिया। लेकिन इसको आम रखा जाए जैसे कि मैंने पहले कहा, और लातासु का मतलब यह जिस दर्जे में वो है उस दर्जे की मुखालफत न करो, सुनन को सुनन के दर्जे में रखकर मानो, मुस्तहबात को मुस्तहबात के दर्जे में मानो, वो सब इसके अंदर दाखिल हो सकता है। बाज़ उलमा ने यहां पर यह सवाल उठाया है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिन बातों पर वादा लिया है, बैत की है, वो सारी के सारी मनहियात हैं, मामूरात कुछ नहीं है। शिर्क नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, चोरी ना करोगे, कतल ना करोगे, बोहतान नहीं बांधोगे, मौर मेरी मासियत नहीं करोगे, क्या करना है वो नहीं आया, नहीं करो का जिक्र है। इसका जवाब उलमा ने दिया है कि यहां लफ्ज मारूफ तो सबको घेर लिया है, इसमें नमाज भी आ गया, रोजा भी आ गया, जकात भी आ गया, हज भी आ गया, और इबादत भी आ गई, और तमाम अहकामात आ गए जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शरीयत में हमको बयान किया और दिया है। तो लिहाजा मतलब ये हुआ मारूफात वो तुम्हारे सामने है, वो सारे मारूफात को इख्तियार करो, उसमें मेरी मुखालफत ना करो। आगे है
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. देखो इसमें जुमला आया है फमन वफा मिनकुम फअजरुहु अलल्लाह, तुम में से जो आदमी इन चीजों को पूरा, बंदा नेकी करे तो उसको अजर और सवाब अता करना यह अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह पर वाजिब है। और वो इसी किस्म की अहादीस से इस्तेलाल करते हैं। एक तो इसमें लफ्ज अजर आया, अजर कहते हैं किसी चीज के इवज को, और इवज वाजिब होता है। आपने एक आदमी को किताब बेची तो उसकी उसका जो इवज है उसका देना उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। इसी तरह ये लोग कहते हैं कि अजर का लफ्ज आया, अजर मुकाबले के लिए आता है, उसका अजर। तो लिहाजा जब बंदे ने एक काम कर दिया तो अल्लाह पर यह वाजिब हो गया, लफ्ज अजर बता रहा है। और दूसरे कहते हैं अल्लाह, अल्लाह भी आता है इल्जाम के लिए, वजूद के लिए। तो लिहाजा अल्लाह पर यह बात लाजिम है, अल्लाह पर यह बात वाजिब है। तो देखो अल्लाह के नबी ने यह बता दिया है कि अल्लाह पर सवाब और अजर का देना वाजिब और जरूरी। लेकिन अहले सुन्नत का मसला यह है और माकूल भी है कि अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं। सोचना चाहिए कि अगर बंदों पर कोई चीज वाजिब है तो उसको वाजिब करने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह पर कोई चीज वाजिब है तो अल्लाह पर किसने वाजिब किया है? अल्लाह से कोई बड़ा है? तो बड़ी उल्टी बात है भाई। अल्लाह के जिम्मे कौन वाजिब किया कि उसके ऊपर वाजिब हो जाए? इसलिए तमाम के तमाम अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं। अब रहा यह सवाल कि यहां पर आया है अजरुहु अलल्लाह। उलमा इसके जवाब के अंदर कहते हैं यह सूरतन कहा गया है, हकीकतन नहीं। बंदा जब कुछ करता है तो उसके लिए अजर का लफ्ज अल्लाह बोल रहे हैं या नबी बोल रहे हैं तो यह बहस सूरतन कहा जा रहा है, वरना तो वो अजर नहीं, वो तो फजल ही फजल है। एक बंदे ने नमाज पढ़ी, अल्लाह अगर उसे सवाब न दे, गुनाह उसके ऊपर लाजिम कर दे, तब भी अल्लाह को कौन पूछने वाला है? अगर अल्लाह अजर दे रहे तो महज अल्लाह का फजल ही फजल है, अल्लाह अता कर रहे बस दे रहे अल्लाह का, ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ वाजिब है। अल्लाह ने खुद अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, गोया कि अल्लाह ने यकीन दिहानी की है बंदों को कि मैंने जो तुमसे कहा वो मैं पूरा करके रहूंगा। ये अल्लाह पर वाजिब नहीं है, अल्लाह अगर ये पूरा करेंगे तो अल्लाह का फजल है, एहसान है, करम है बंदों पर। समझ में आई ना बात? ये है उलमा अहले सुन्नत का मसला। आगे आया वमन असाबा मिन ज़ालिका शैयन फउक़िब फिद दुनिया फहुवा कफ़ारतुल्लाह। और जो आदमी के इन चीजों में से किसी बात का इर्तिकाब कर गया, जो जो मना किया था और वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इन में से वो किसी चीज का इर्तिकाब कर गया, असाबा बमाने इर्तिकाब करना, फ़ूकिब फिर दुनिया, और फिर उसी का बदला उसे दुनिया में दे दिया गया, उसकी सजा उसे दुनिया में दे दी गई, फ़हुवा कफ़ारतुन लहू, तो ये दुनिया की उकूबत और सजा उसके लिए कफ़ारा बन जाएगी। वमन असाब मिन ज़ालिका शैयन सुम्मा सतरहुल्लाह। और जो आदमी इनमें से किसी गुनाह का इर्तिकाब किया और फिर दुनिया में सजा नहीं मिली बल्कि अल्लाह ने उसके ऊपर पर्दा डाले रखा, फहुवा इलल्लाह, तो ऐसे गुनाह अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द है, इंशा अफ़ान व इंशा आकबा, अगर अल्लाह चाहे तो माफ भी कर सकता है और अगर अल्लाह चाहे तो उसको सजा भी दे सकता है।
यहां देखिए चंद शक्लें हैं। जो आदमी गुनाह का इर्तिकाब किया, ऊपर जो गुनाह बयान किए गए थे उनमें से किसी का इर्तिकाब किया, तो अब दो शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि उसकी सजा उसे दुनिया में दी जाए, जैसे चोरी किया हाथ काट दिए, जिना किया संसार कर दिया, या और कुछ किया उसकी सजा जारी कर दी, किसी नेक आदमी पर बहतान लगाया 80 कोड़े लगा दिए गए। तो जो ऊपर गुनाह थे उनमें से किसी का इंतकाब करने पर उसे दुनिया की हुकूमत ने सजा दे दी, उकिबा फिर दुनिया। तो इसके बारे में फरमाया फहुआ कफारतुल लहू, तो ये दुनिया की सजा उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी, यानी गुनाह पाक हो जाएगा उसका। दूसरी शक्ल यह है कि दुनिया में सजा नहीं मिली, चोरी करने वाला चोरी किया, जिना का जिना किया, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डाले रखा और दुनिया में सजा उसको नहीं जारी हुई, तो इसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते फहुआ इलल्लाह, तो ये अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के हवाले। अगर चाहे तो माफ भी कर सकता है वो, और अगर चाहे तो वहां जहन्नम में भेजकर सजा भी दिलवा सकता है, ये अल्लाह के हवाले है। ये है जो यहां दो शक्लें बयान की गई। यहां पर काफी लंबी एक बहस है, लेकिन एक बहस छोटी है, पहले आज वो छोटी बहस सुन लीजिए, कल बड़ी बहस करेंगे। छोटी बहस तो ये है कि इस हदीस में ये आया मन असाव मिन ज़ालिका शैयन, ऊपर बयान करदा चीजों में से जो आदमी किसी का इर्तिकाब कर गया और उसकी सजा दुनिया में उसको दे दी गई, तो वो उसके लिए कफारा है, वह हुआ कफारतुल्लाह। यहां पर सवाल यह है कि अगर कोई आदमी शिर्क का इर्तिकाब कर लिया, ऊपर शिर्क का भी जिक्र है ना, वला तुशरिकु, तो एक आदमी मुशरिक हो गया, बुतों की पूजा करने लगा, उनमें से किसी चीज का इर्तिकाब किया, वो शिर्क का इर्तिकाब है, और उसे दुनिया की सजा दे दी गई। दुनिया में क्या सजा है? दुनिया में उसकी सजा है कत्ल। तो अब ये आदमी जो दुनिया में सजा पाकर कत्ल हो गया, तो क्या उसका वो शिर्क वाला गुनाह भी माफ हो गया? फहुआ कफारतुल लहू। तो इसका मतलब यह है कि जो आदमी मुर्तद हो जाए और शिर्क में मुब्तला हो और उसको दुनिया की इस्लामी हुकूमत ने सजा दे दी और किसास में उसको कत्ल कर दिया गया, तो वो सीधा जन्नत में, यानी मुर्तद होकर भी जन्नत में। ये सवाल पैदा होता है, बड़ा अहम सवाल। चुनाचे उलमा ने इसके ऊपर बहस की, अल्लाह उन उलमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए जिन्होंने हर सवाल का जवाब दे दिया, किसी चीज को तिशना नहीं छोड़ा, हर हर चीज पर बहस कर अल्लाह के नबी के कलाम की तशरीहात और उसके एक एक जुज के ऊपर कलाम और तहकीक हर एतबार से मुकम्मल कर। चुनाचे उलमा के दरमियान बहस हुई कि अगर कोई शिर्क का इर्तिकाब करता है और उसे दुनिया में सजा मिल जाती है, तो क्या वो आदमी जो शिर्क करने वाला है जन्नत में चला जाएगा और उसके लिए दुनिया की सजा कफारा बन जाएगी? इसके कई जवाब दिए गए। एक जवाब अल्लामा नववी ने दिया, उन्होंने कहा कि यह हदीस आम मखसूस मिनहुल बाज है, यानी ऊपर जो अल्लाह के नबी ने कहा मन असाबा मिन ज़ालिका शैयन, इनमें से जो आदमी किसी चीज का इर्तिकाब करे, तो ये आम है, लेकिन मखसूस मिनहुल बाज है कि यहां पहली सूरत यानी शिर्क दाखिल नहीं है, और दलील उसकी यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, तो लिहाजा शिर्क की माफी नहीं होगी और न उसके लिए कोई कफारा है। दूसरा जवाब यह है कि ज़ालिका का इशारा इसमें जो आया है
उसमें शिर्क के अलावा बकिया चीजों की तरफ इशारा है। मन नसाब मिन जालिका शयन, मिन जालिका इनमें से, यानी शिर्क के अलावा इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब करे, क्योंकि खिताब मुसलमानों से है और जब मुसलमानों से है तो यहां पर वहां जो शिर्क वाली बात है वो इसके अंदर दाखिल नहीं होगी। तुम में से जो इनका इर्तिकाब, नहीं, जो मुसलमान होते हुए जिस काम का इर्तिकाब मुमकिन है वो है गुना, शिर्क नहीं हो सकता। तो जालिका का इशारा ही गैर शिर्क की तरफ हो गया पहली सूरत में। और इसमें फर्क यह है कि पहली सूरत में जालिका का इशारा सब की तरफ माना गया लेकिन उनमें से बास को मखसूस कर लिया, और इस सूरत में उसकी तरफ इशारा ही नहीं है, गैर की तरफ इशारा है। समझ में आया? अब मखसूस मिनुल बास कहने की जरूरत नहीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवाब को नकल करके यह फरमाया कि एक हदीस से इसकी ताईद होती है जिसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया और उसके अंदर लफ्ज आया है मन अता मिनकुम हद्दन, यानी इसी के बास तुरुक में यह अल्फाज है, मन असाबा मिन जालिका की जगह यह लफ्ज आया मन अता मिनकुम हद्दन, तुम में से जो आदमी हद का इर्तिकाब करे, और हद कहते हैं गुनाह की सजा को, गुनाह वाले काम को जिसमें सजा जारी होती है, हुदूद मालूम ना, हुदूद में शिर्क दाखिल नहीं है, समझ मारी बात, गुनाह के लिए इर्तिकाब कर लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये हजरात कहते हैं कि शिर्क की वजह से कत्ल किया जाए तो उसको हद नहीं कहते, इसलिए यहां पर शिर्क को छोड़कर दूसरे गुनाह मुराद है। मन अता मिनकुम हद्दन के लफ्ज से इन हजरात ने जवाब दिया, लेकिन अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि इस जवाब का रद्द किया गया क्योंकि हदीस बाब में फमन वफा मिनकुम के अल्फाज आए हैं जैसे कि आपके सामने, और फा यहां तरत्तुब मा बाद अला मा कबल के लिए है, यानी ऊपर जो बातें थी उन पर आगे की बातों को मुरतब करने के लिए आया, लिहाजा ऊपर जितनी बातें होंगी वो सब यहां दाखिल होंगी, इसे शिर्क को आप इशारे में न लें तो ये बात सही नहीं होगी। लिहाजा इसका नतीजा यह होगा कि जो शख्स इन चीजों को पूरा करे तो अल्लाह उसे अजर देंगे, और जो इन चीजों में से किसी भी चीज का इर्तिकाब करेगा खा वो शिर्क ही क्यों ना हो इस पर दुनिया में सजा जारी होगी तो उसके लिए कफ्फारा बन जाएगी, ये मतलब निकलेगा जो वाज़े तौर पर समझ में आ रहा है। उसके बाद में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लामा तीबी ने इसका एक जवाब दिया, और वो जवाब मैं भी थोड़ी देर पहले आपको दे चुका हूं कि वो शिर्क से मुराद शिर्क खफी लेते हैं, शिर्क अकबर नहीं लेते। लिहाजा यहां शिर्क के इर्तिकाब से मुराद शिर्क को मुराद होगा लेकिन शिर्क से मुराद शिर्क असगर होगा। लिहाजा फमन असाब मिन ज़ालिका शयन, जो आदमी इन चीजों में से किसी चीज का इर्तिकाब करेगा, यानी रियाकारी का इर्तिकाब करेगा, चोरी का इर्तिकाब करेगा, यह मतलब हो जाएगा। अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं अगर यह मतलब ले लिया जाए तो इश्काल तो वाकई खत्म हो जाता है लेकिन और एक इश्काल पैदा हो जाता है। ये जो इश्काल चल रहा वो तो खत्म हो जाएगा लेकिन एक और इश्काल ये पैदा हो जाता है कि इस हदीस में है फमन असाब मिन ज़ालिका शयन फ़उक़िब फिर दुनिया, जो इनमें से किसी का इर्तिकाब करे और उसकी सजा उस पर दुनिया में जारी हो जाए। अगर कोई रियाकारी से नमाज पढ़े तो क्या सजा है? उसकी तो कोई सजा नहीं, जब उसकी कोई सजा नहीं तो ये जुमला उस पर को फिट नहीं होता। तो लिहाजा अल्लामा तीबी के जवाब बड़ा बेहतर जवाब हो सकता था लेकिन अगला जुमला उसका रद्द कर रहा है।
और उसके बाद अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने अल्लामा नबवी ही के जवाब को पसंद किया है और दूसरे नंबर वाले जवाब को पसंद किया है। दो जवाब आपके सामने ऊपर आए थे, एक मखसूस मेनुल बाज होने का जवाब और एक ये है कि जालिका का इशारा शिर्क की तरफ नहीं है बाकी चीजों की तरफ है, ये जवाब बेहतर जवाब उन्होंने करार दिया। उसके बाद एक और बहस है जो बहस तवील है जिसको मैं इंशाअल्लाह फिर अर्ज करूंगा। वाफिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।